जब हम नए भारत की बात करते हैं तो नया भारत जो जातिवाद, संप्रदायवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार के जहर से मुक्त हो, गंदगी और गरीबी से मुक्त हो, न्यू इंडिया जहां सभी के लिए समान अवसर हो, जहां सभी की आशा आकांक्षाएं पूरी हो, नया भारत जहां शांति, एकता और सद्भावना ही हमारा गाइडिंग फोर्स हो, मेरा यह न्यू इंडिया यूथ आगे आए और मंथन करे कि कैसे बनेगा न्यू इंडिया। वो अपने लिए भी एक मार्ग तय करे, जिनसे वो जुड़ा हुआ है उनको भी जोड़े और कारवा बढ़ता चले। आप भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे एक विचार आया कि क्या हम भारत के हर जिले में एक मॉक पार्लियामेंट आयोजित कर सकते हैं, जहां ये 18 से 25 वर्ष के युवा मिल बैठ करके न्यू इंडिया पर मंथन करें, रास्ते खोजें, योजनाएं बनाएं, कैसे हम हमारे संकल्पों को 2022 से पहले सिद्ध करेंगे, कैसे हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया था। मेरे नौजवान साथियों, समय की मांग है कि हम भी 21वीं सदी के भव्य दिव्य भारत के लिए एक जन आंदोलन खड़ा करें। विकास का जन आंदोलन, प्रगति का जन आंदोलन, सामर्थ्यवान शक्तिशाली भारत का जन आंदोलन। मैं चाहता हूं कि 15 अगस्त के आसपास दिल्ली में एक मॉक पार्लियामेंट का आयोजन हो, जहां प्रत्येक जिले से चुना गया एक युवा इस विषय पर चर्चा करें कि कैसे अगले 5 सालों में एक न्यू इंडिया का निर्माण किया जा सकता है।